क्या नाम है आपका? दुखसाना सर। क्या हुआ, क्या मामला है आपका आवास का? आवास का मन के नाम से आला साहब, पहला किस्त निकल गला, दूसरा किस्त में रोक रहे हैं साहब। प्रधान सेक्रेटरी मिल के कह रहे हैं कि कुछ प्रूफ लिया हम के हैया नहीं बात, कहाँ से दे साहब। क्या प्रूफ मांग रहे हैं? खतौनी मांग रहे हैं। हाँ। तो हम लोग के पास कुछ नहीं है साहब, एक बित्ता भी नहीं है, कहाँ से देंगे। क्या नाम है आपका? अप्पू। क्या मामला है आपका? यही जमीन का मामला है, मकान कॉलोनी दिए आवास, दोबारा किस्त नहीं निकल रही है, हमारा रोक लग गया है। किसने रोक लगाया है? प्रधान मिनिस्टर सेक्रेटरी मिल। तो आप बता रहे हैं जियो टैगिंग हो गई थी? हाँ, पहला किस्त उसी जगह जियो टैगिंग हुआ है। अच्छा, अब नहीं मिल रहा है? नहीं। सर, केतार गांव में एक मामला आया है, एक पप्पू नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पहली किस्त आ गई है लेकिन दूसरी किस्त प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर रुकवा दी है, क्या मामला है सर? मैंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है। मैंने जानकारी जब हासिल की तो पता लगा कि पप्पू बचऊ जो है वो जंगल विभाग की जमीन में बना रही है, तो जंगल विभाग के कर्मचारियों ने ही उनका रुकवा दिया है। वो अपनी जमीन पे बनावे, कल उनकी सेकंड किस्त रिलीज हो जाएगी, लेकिन जंगल विभाग की जमीन पर अनधिकृत रूप से वो बना रहे हैं तो उसमें कोई सरकारी आदमी सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन सर, जब जियो टैगिंग वगैरह होती, न्यू खुदाई होती है, तो उस टाइम जियो टैगिंग होती है, तो उस टाइम कैसे हुआ होगा? उस समय उन्होंने बताया नहीं था कि ये जंगल विभाग की जमीन है। जिस स्थान को उन्होंने बताया रहा होगा, संबंधित कर्मचारी ने वहाँ का जियो टैग कर लिया था, लेकिन जब बनने लगा तो जंगल विभाग ने कहा होगा कि मेरी जमीन है। लेकिन ग्राम प्रधान को तो पता ही रहा होगा ये मामला। लेकिन जियो टैग किया होगा सरकारी कर्मचारी ने, ग्राम पंचायत अधिकारी या रोजगार सेवक ने, ये संभवतः ये प्रकरण प्रधान के संज्ञान में नहीं रहा।